स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 के का सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज हम लोग टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, ठीक है। किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जेईई मेंस में, कितना मार्क्स तक पूछा जा सकता है, वो हम लोग अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे कि आपका कौन टॉपिक पर कितना काम करना है, ठीक है। तो जेईई मेंस अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस सिलेबस विथ वेटेज। आपका सिलेबस के साथ आपका वेटेज भी रहेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। आपका फिजिक्स में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से होगा और कितना मार्क्स तक पूछा जा सकता है। तो पहला है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है जेईई मेंस एग्जामिनेशन में। इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछा जा सकता है और 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपका मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा वेटेज रहता है, इसलिए इसको अच्छा पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है, इसका आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक्स है, इसका आपका 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटीज। अगर आप बोर्ड का, अगर आपका 12th का भी एग्जाम है इस बार, तो आपका जो ऑप्टिक्स है बोर्ड एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका आपका 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो होता है 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, इसका 3 क्वेश्चन आएगा आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक्स, इसका 2 क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर, इसका जो आपका 1 क्वेश्चन आता है, यह बेसिक इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स का, इसीलिए इसका आपका 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है काइनेमैटिक्स, इसका आपका 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है फिजिक्स में वह आपका मॉडर्न फिजिक्स का है, इसलिए इस पर अच्छा से फोकस करना चाहिए। अप्रोक्स आपका 20 मार्क्स जो है सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स दिला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मोशन, इसका आपका 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 मार्क्स का। वर्क पावर एंड एनर्जी, इसका भी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सेंटर ऑफ मास इंपल्स मोमेंटम निकालने का रहता है, इसका भी 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स। रोटेशन का भी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ग्रेविटेशन का भी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका भी 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। सॉलिड एंड फ्लूइड, इसका भी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। एंड वेव, इसका भी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन, ठीक है, एंड एसी, इसका भी 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स। तो हम लोग पूरा फिजिक्स का देख लिए टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक है कितना वेटेज है आपका जेईई मेंस 2022 के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा सब्जेक्ट का देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। जेईई मेंस सिलेबस विथ वेटेज केमिस्ट्री, ठीक है। ये टॉपिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स है। तो पहला आपका जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है केमिस्ट्री का, वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। इसका आपका 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसका भी 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसियस स्टेट, इसका भी 2 क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका भी 2 क्वेश्चन आएगा आपका 8 मार्क्स का। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, इसका भी 2 क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, 2 क्वेश्चन आएगा आपका 8 मार्क्स का। उसका आएगा मोल कंसेप्ट, इसका न्यूमेरिकल पूछेगा आपको, 1 क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री में देखे तो आपका ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ, सो पीरियोडिक टेबल, आपका ज्यादा वेटेज रहता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। लगभग 20 मार्क्स का जो है, 20-30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, सिर्फ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा जेईई मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेडॉक्स रिएक्शन, इसका 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स।
केमिकल कनेक्टिव का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका भी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, स्टीरो केमिस्ट्री इसका भी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, फिर हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। ठीक है, तो आपको किस टॉपिक पर कितना काम करना है वो आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक का आपका कितना वेटेज है जेईई मेंस में, इसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका है एल्काइल हैलाइड्स, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, कार्बोहाइड्रेट एम्यूनो एसिड पॉलीमर्स इसका भी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स, एरोमेटिक कंपाउंड इसका भी आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं जो ज्यादा स्टूडेंट का जो होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे वेटेज कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, जेईई मेन सिलेबस विथ वेटेज मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जेईई मेन्स 2022 के लिए, जेईई मेन्स 2022 के नहीं हर एक बार आपका जेईई मेन्स में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, लिमिट हुआ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसका आपका 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स, एक लिमिट का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इसका भी आपका 3 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 8 मार्क्स का, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स का, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसका भी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स का, वेक्टर अलजेब्रा इसमें आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स का, सेट रिलेशन एंड फंक्शन इसका भी आपका 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा अगर कोई आपका ज्यादा वेटेज ज्यादा नंबर दिला सकता है मैथमेटिक्स में तो वह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपका 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, सीक्वेंस एंड सीरीज आपका 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ट्रिगोनोमेट्री का 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हर एक बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा आपका 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का आपका 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स, डिफरेंशियल कैलकुलस आपका 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में आपको अगर आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपका 20 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लिए कि किस टॉपिक का आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बतला दिए और आपका हर एक टॉपिक का किस टॉपिक का ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है जेईई मेंस में, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा जरूर देखें। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।